औज़ुबिल्लाहिमिनश शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद, मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहम्मद अज़ीज़ सलीम साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे बात करूंगा, लास्ट भी हमने जब वीडियो की थी पूरी दुनिया के हवाले से बात की थी, ईरान इसराइल वाला मामला चल रहा था, आपने जो पेशन गोई की एक्यूरेट, फिर इसराइल आया, फिर ईरान ने उसी तरह आपने कहा रिटेलिएट करेगा, और फिर वो सारा ईरान की तरफ से भी हमने देख लिया इसराइल में किस तरह खौफ व हरास आया। रशिया का मामला है, यूएन की समदी में सारा वो मैटर चला। सर दुनिया का हॉरोस्कोप अगर खोलें अब क्या नज़र आ रहा है? यार दुनिया का हॉरोस्कोप अगर हम देखें ना इस वक्त, तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। जो मेजर क्राइसिस चल रहा है इस वक्त वो चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसको मैं बड़ी दफ़ा इंडिकेट कर चुका हूँ। ठीक है, कि हम लोग ऐसे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि हम लोग आने वाले वक्त में फूड शॉर्टेजेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो। ठीक है, अब बाकी जहाँ तक ये जो जगहों वाली मामलात हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कोई लार्ज स्केल जंग की तरफ हम नहीं जा रहे। हाँ, झड़पें ज़रूर होती रहेंगी और ये झड़पों की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें कभी उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने उनका कोई बंदा मार दिया, फिर उन्होंने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी चलती रहेंगी। हाँ, ये नहीं है अभी क्योंकि बहुत लार्ज स्केल कोई ऐसी कोई वॉर की तरफ हम जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं है सर। आपने बात की कि फूड क्राइसिस बड़ा ज़्यादा आने वाला है, ये कहीं लाल सागर या रेड सी और फिर ईरान के जो अबनाए और सारा वो बंद करे ईरान, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? देखो एक बात चीज़ ध्यान में रखना, जिस वक्त हम ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं ना, तो इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर है वो US है। ठीक है, अमेरिका है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जब भी बात की जाती हैं फूड शॉर्टेजेस की और इस किस्म की दूसरी एक्टिविटीज़ की ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशिएशन जो है वो वहाँ से हो रही है। रीज़न उसकी ठीक है, अब आप खुद देखो क्या अमेरिका फूड प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है? खुद बना रहा है, खुद बना रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी वेदर में। ओके, ठीक है, जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी वेदर में। वेदर की वजह से जो आपकी फसलें हैं, जो आपकी क्रॉप्स है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, या ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आगे चल के फूड शॉर्टेजेस आएंगी। सर ये अमेरिका की आपने बात की, तो अमेरिका के अंदर कोई क्राइसिस अभी नज़र आ रहा है इंटरनेट? देखो पहली बात तो ये कि इस वक्त एक तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन इस वक्त जिस पीक पे जिस तरह जा रहे हैं, मेरी अपनी असेसमेंट जो है एस्ट्रोलॉजिकली, मैंने कैमेला का भी चार्ट देखा है, मैंने ट्रंप का भी चार्ट देखा है, मुझे तो लगता है कि ट्रंप इजीली विन कर जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं फेस करना पड़ेगा उनको। ठीक है, इवन जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी उनको लीड मिल जाएगी उनको, तो वहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली ट्रंप के आने से बहुत सारे सिनेरियोस चेंज होंगे, बहुत सारी उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो चेंज होंगी। इंटरनल क्राइसिस उनका इस वक्त ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस है। अमेरिका इज़ नोन एज अ बोरोड इकोनॉमी इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक वर्ल्ड बेसिकली, जो फाइनेंशियल जो दुनिया है उसके अंदर अमेरिका इज़ नोन एज ए बोरोड इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो लोगों के उधार पर चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्राइसिस उनके लिए स्टार्ट है और यही लीड करेगा आगे दूसरे क्राइसिस की तरफ। ये क्राइसिस अमेरिका में बढ़ेगा बढ़ेगा। ट्रंप सर 5 नवंबर के बाद, 5 नवंबर को इलेक्शन है, 20 जनवरी को वोट होगा, ये यहीं से पूरी दुनिया में जब अमेरिका तब्दील होता है तो पूरी दुनिया तब्दील होना शुरू होती है। ट्रंप ने लास्ट टाइम देखा तो जहाँ फौजें थी वहाँ से फौजें वापस बुलाई थी, जो बाइडन ने आके फिर उन इलाकों में भेजी और फिर जाके जंगें छेड़ी। हालांकि ट्रंप के बारे में लोग कहते थे ये पागल आदमी है या खर दिमाग है या उड़ा के रख देगा, लेकिन वो बिजनेस माइंड से चला। अमेरिका के लिए कौन सा सूट करता है? देखें अमेरिका के लिए क्या सूट करता है, अमेरिका में बड़े पाकिस्तानी हैं हमारे जो देखते हैं। देखो अमेरिका कंसर्न है, अमेरिका की अगर बात करें ना, हम ओवरऑल अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का अपना चार्ट जो है वो बहुत सारी आगे आने वाले वक्तों में ऐसी प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है जो कि शायद अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस या जो उनकी जो जो जब बना था उसके बाद से वो फेस नहीं किए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम इंडिकेट हो रही हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, हाँ बात सिर्फ इतनी है कि वो एक जाइंट है,
जब कोई जाइंट जो है उसको गिरते गिरते भी टाइम लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से गिर जाएगा, ठीक है, उसको गिरते गिरते भी टाइम लगता है, ठीक है। नेशंस जब बन जाती हैं, एक डेवलप हो जाती हैं, एक अपनी पीक के ऊपर चली जाती हैं, तो वो एकदम से एक मिनट में नहीं गिर जाती हैं। रोमन एम्पायर भी गिरी थी, उसको वक्त लगा था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब उसको भी गिरते गिरते टाइम लगेगा, लेकिन वो फेज स्टार्ट हो चुका होगा। निका का जवाल का टाइम स्टार्ट हो वो स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन अगर आप ये समझो कि अगले 5-10 साल में हो जाएगा, नहीं, ये बात करो 60-70-80 साल की। अगर लेकिन वो पावर का मरकज जो हाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब चीन आ रहा है, चीन आ रहा है, फिर आपका ब्रिक्स बन रहा है, फिर अगर आपका सीधी सी बात है कि अगर अमेरिका का इस वक्त जो मेन पॉइंट है, जो स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है, वो पेट्रो डॉलर जो है वो मेन है। अगर पेट्रो डॉलर का कम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है तो उसकी जो डाउनफॉल है उसको एकदम से बूस्ट मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान डाउनफॉल को बूस्ट मिलेगा, ये नहीं कि अमेरिका को बूस्ट मिलेगा, डाउनफॉल को अमेरिका एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा। इकॉनमी बैठना शुरू हो जाएगी, अगर 2% पे है तो ठाक करके 200% पे चली जाएगी। सर वो फ्री ट्रेड करता है, डॉलर छापता है, और बाद में फ्री ट्रेड छापता है, ये भी बात सही है, फिर पेट्रोल के मामला भी और पूरी दुनिया से उठा के रिफाइनरी से वो कर। अब ईरान की वजह से सर वहाँ प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि पेट्रोल और वो सारा जो मामला है, अगर वो रुक गया, पहले इधर से रशिया की तरफ से रुका है, पूरा यूरोप क्राइसिस है, बाजार तो लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन पूरे यूरोप में क्राइसिस है। नहीं, अब बात ये है कि मैं तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको बात की थी कि जो भी अगर कोई ट्रैवलिंग रिकमेंडेशन कोई ले, अगर कोई सेटल होना चाहता है, तो मैं उसको यूरोप और अमेरिका तो उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। यूरोप और अमेरिका नहीं जाना, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता मैं, ठीक है, सेटलमेंट के लिए या ऐसा की दूसरी चीज़ों के लिए यूरोप और अमेरिका इस वक्त मेरी रिकमेंडेड बुक्स में नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर जाना है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, चाहे न्यूजीलैंड की तरफ, चाहे वहाँ पे कोई इम्पैक्ट मेजर आता हुआ नज़र नहीं आता मुझे लगता मुझे। हमारे बड़े लोग जी यूरोप तैयार जाने के लिए बैठे हैं, या ख्वाहिश होती है यूरोप के, जो अभी यूरोप वाले हैं उनसे हालात पूछें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये जायचा बता रहा है, और जो जायचा बताता है वो अगले 10-20-30 साल की चीज़ों को बता रहे हैं, उन्होंने बताया 50-60 साल लगेंगे। सर चाइना और पाकिस्तान अब येन में और चाइनीज़ करेंसीज में और पाकिस्तानी रुपीज, अल्लाह करे वो भी आए मामलात को, करेंसी स्वैप होने जा रही है दुनिया में। देखो, करेंसी स्वैप होने, करेंसी का जो बेसिक फैक्टर डॉलर जो है, मैंने अभी जिक्र किया आपसे, वो है पेट्रो डॉलर। पेट्रोल जब तक सऊदीया जो है वो अनाउंस नहीं करता कि दे आर स्टार्टिंग एक्सेप्टिंग पेमेंट्स इन एनी करेंसी इन द वर्ल्ड, तो उस वक्त तक पेट्रोल डॉलर का कम्बिनेशन बरकरार है, उस वक्त तक मेजर करेंसी डॉलर ही रहेगी। बिल्कुल सही बात, यूरो भी आया लेकिन वो सारा नहीं हुआ। लेकिन फिर वही बात है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हुए हैं और इस तरह की बातें भी आ रही हैं, अगर हम मैं चार्ट से भी अगर देखूँ तो आगे ये क्राइसिस बढ़ता है, कम नहीं होता। बिल्कुल सर, यूके पहले यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, बड़े क्राइसिस में आए, उसके बाद अपने इंटरनल मामला, अभी तक प्राइम मिनिस्टर पे प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते जा रहे थे, अभी जो मौजूदा अगर देखें तो वहाँ फिर क्राइसिस भी आया, फूड क्राइसिस भी आया। देखो, अगर मैं यूके की बात करूँ ना, यूके में दो तीन चीज़ें जो है ना वो मुझे मेजरली हिट होती नज़र आती हैं। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे, फूड क्राइसिस भी बात आ गई। एक नेक्स्ट जो चीज़ जिसकी तरह शायद अभी तक तवज्जो नहीं गई कहीं पे किसी की भी, जो चार्ट पे बड़ी क्लियरली इंडिकेट हो रही है, और मैंने शायद कुछ साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैंने ये चीज़ बात की थी, किसी चैनल के ऊपर बात की थी मैंने, यूके का हेल्थ सेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली सामने आएंगे। हाँ, ये बात हुई थी जिस वक्त कोविड चल रहा था ना के ऊपर, उस वक्त की बात थी, ठीक है, तो वो क्राइसिस जो है, वो हेल्थ साइड्स का जो क्राइसिस है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो आगे और चीज़ें सामने आएंगी भी उसके अंदर। बिल्कुल जी, ये NHS के हालात देख लें आप, यूके के हेल्थ सेक्टर के, वहाँ बिल्कुल ये काम चल पड़ा है। मैंने बेतहाशा पे प्रोग्राम किए सारे डॉक्टर्स के साथ भी, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कभी जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक, कभी सीनियर डॉक्टर्स की, कभी पेमेंट के मसले, ये वहाँ बहुत ज़्यादा, हालांकि यूके का हेल्थ सेक्टर नंबर 1 होता था, लेकिन ये आपने एक बड़ा अच्छा असर आपने निशानदेही की। यूके में रहने वाले या यूके के वो ख़ुद भी बताएंगे कि यूके में अब हेल्थ सेक्टर बैठने जा रहा है। अजय साहब ने आपको एस्ट्रोलॉजी बताया। सर अब लास्ट पॉइंट पे जाते जाते एशिया का और पाकिस्तान का भी थोड़ा सा बता दें। एशिया और पाकिस्तान का क्या बताऊँ मैं, सवाल करें मेरे से। मशरक का सूरज उभरने लगे हैं, मशरक का सूरज जापान, एशिया में सारा कुछ है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी मशरक के सूरज में ही है। देखो, अगर मगरब एक चीज़ आप ज़हन में रखना,
जो चाइना का जो चार्ट है, ठीक है, जो उसका सेनेंट है वो फर्स्ट डिग्री एक्वेरियस है, ठीक है, प्लूटो से कुछ ट्रांजिट होना है, तो आप ये लाजमी एक्सपेक्ट करें कि चाइना के अंदर भी इंटरनली जो है कुछ चीज़ें जो है सामने आएंगी जो चाइनीज़ इकॉनमी को थोड़ा सा हर्ट करेंगी, चाइनीज़ गवर्नमेंट को थोड़ा सा हर्ट करेंगी, ठीक है, और वहाँ पे भी चेंजेस जो हैं वो आएंगी, मेजर चेंजेस आएंगी। उसमें ताइवान का इशू जो है वो बहुत मेजर इशू राइज हो सकता है, जो अभी सब इशू तो है लेकिन उतना हाइप पे नहीं है, ठीक है, बढ़ सकता है, मतलब आम पब्लिक उसको अभी तक उसको शायद इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं कर सकती कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो हैं उसके ताइवान के इशू के वो कितने बढ़ चुके हुए हैं और कितनी उसकी वजह से टेंशन चल रही हैं, लेकिन आगे चल के ये चीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि आम पब्लिक तक को भी उस चीज़ को इल्म आएगा, नॉलेज आएगा, ठीक है, आम पब्लिक भी उससे अवेयर होगी। बिल्कुल सही बात है, ताइवान का इशू जी चाइना में आ रहा है, अमेरिका में इशूज़ आ रहे हैं, रूस मास्को सारी दुनिया में अब हैं, ये सारा असल जो बढ़ के है फूड हेल्थ, ना फूड होगी ना हेल्थ होगी तो किधर जाएंगे। खुद आप इसका बात का जवाब आपके पास आ गया है, फूड और हेल्थ आपके पास है तो सब कुछ है, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी हेल्थ है तो टेक्नोलॉजी चलेगी। मैं यहाँ पे आपकी बात कर दूँगा, मैंने शायद आप ही के साथ शायद पहली दफ़ा जब मैंने कहा था कि कोविड के बाद जो टाइम पीरियड था, मैंने कहा था कि अगर कोई लोग इस वक्त जिनके पास पैसे हैं वो फार्मिंग की तरफ चले जाएं, yes. अपना उगाओ अपना खाओ, अपना बिल्कुल कहा था आपने, ठीक है, तो वो उस तरफ चले जाएं जिनके पास अभी भी है, अभी भी वक्त है, अभी भी पैसा है, ये प्रॉपर्टी से निकल जाएं, गाड़ियां बंगलों से निकलें और अपनी ज़मीन अपना उगाओ और अपना खाओ। ये दुनिया उसी तरफ जा रही है, पहले तरक्की की तरफ गई थी, फिर वो रिवर्स जो साइकिल होता है सर, इंसान जहाँ चलता है फिर बच्चा और बूढ़े में बिल्कुल, जहाँ बच्चा होता है वहीं बूढ़ा आके खड़ा होता है, पूरा सर्कल लगा के दोनों को फिर पकड़ना पड़ता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद और मोहम्मद वसीम साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।